नमस्कार मित्रों मित्रों, इस वीडियो में आप लोग जान पाएंगे कि पूर्व काल में यादवों को गायन विद्या अर्थात उस संगीत विद्या का अक्षय वरदान कब और किसके द्वारा दिया गया था, जिसके परिणाम स्वरूप पूर्व काल से लेकर अब तक विरासत में मिली अपनी संगीत कला के हुनर से भी यादव लोग अपनी पहचान बनाए हुए हैं। क्योंकि पूर्व काल में यदुवंश में ऐसे भी राजा हुए हैं जिनको जन्म लेते ही कुछ वाद्य यंत्र स्वतः बजने लगे थे। इसके साथ ही आप लोग यह भी जान पाएंगे कि यदुवंश के कौन से राजा थे जिसकी संगीत कला से भगवान शंकर जी प्रसन्न होकर उसे मनोवांछित वर प्रदान कर उसे अपनी कन्या रूपी रत्न भी दे दिए थे। किंतु मित्रों, इस प्रसंग को प्रारंभ करने से पहले आप लोगों को यदुवंश की इस वंशावली की थोड़ी सी जानकारी ले लेना होगा, तभी आगे की बात समझ में आएगी, अन्यथा आप लोग आगे चलकर कंफ्यूजन में पड़ सकते हैं। तो जैसा कि आप लोग जानते हैं कि यदुवंश में भीम सत्वत नाम के एक राजा थे जिनके 7 पुत्रों में वृषि और अंधक काफी महान थे, जिसमें से हम अंधक के पीढ़ी में देखेंगे तो इस अंधक के 4 पुत्रों में कुकुर सबसे बड़े थे, जिसमें से कुकुर के 5वीं पीढ़ी में तुम्बरु के पुत्र मित्र थे और इस मित्र के पुत्र आनक दुंदुभी हुए। मित्रों, ये वही आनक दुंदुभी है जिनके जन्म लेते ही दुंदुभियां स्वतः बजने लगी थी, इसलिए इनका नाम आनक दुंदुभी पड़ा। और आज हम इसी आनक दुंदुभी के बारे में बताएंगे जिनके गुण आज भी यादवों में संचरित है। किंतु यहाँ पर यह भी जान लीजिए कि आनक दुंदुभी के कुछ ही पीढ़ी बाद पुनर्वसु के पुत्र आहुक हुए, जिन्होंने अहीर की उपाधि धारण की थी, अर्थात उन्हें आहुक अहीर भी कहा जाता है। और इसी आहुक का पौत्र कंस था और पौत्री माता देवकी थी, जो कंस की चचेरी बहन थी, जिनके 8वें गर्भ से भगवान श्री कृष्ण का जन्म हुआ। तो चलिए अब हम लोग देखेंगे कि यादवों को संगीत कला का हुनर जो परंपरागत रूप से मिला हुआ है उसकी वास्तविकता क्या है। तो इसके लिए हमें कूर्म पुराण के अध्याय 23 को देखना होगा, जहां पर ऐसा ही कुछ वर्णन किया गया है। किंतु ध्यान रहे, उस आनक दुंदुभी को नहीं भूलना है जिनके जन्म के समय दुंदुभियां स्वतः बजने लगी थी। तो देखिए, इस कूर्म पुराण के अध्याय 23 में लिखा गया है कि अनु का पुत्र आनक दुंदुभी हुआ, जैसा कि हम इस बात को पीछे बता चुके हैं। अब आगे देखिए, ब्राह्मणों, उसने अर्थात आनक दुंदुभी गोवर्धन पर्वत पर जाकर महान तप किया। तब लोक माहेश्वर देव ब्रह्मा ने उसे वर प्रदान किया और कहा, तुम्हारे वंश की अक्षय कीर्ति होगी तथा तुम्हें गुरु से भी अधिक श्रेष्ठ गान योग अर्थात उस संगीत कला की स्वाभाविक प्रतिभा और इच्छा अनुसार रूप धारण करने की योग्यता प्राप्त होगी। अब यहाँ पर ध्यान रहे कि आनक दुंदुभी को गान योग का वरदान ब्रह्मा जी ने सर्वप्रथम दिए। अब आगे के क्रम में लिखा गया है कि वर प्राप्त कर उसने देवताओं द्वारा पूजित वर्णी और वृषवाहन स्थान भगवान शंकर की गान संगीत द्वारा पूजा की। तब गान में रत उस आनक दुंदुभी को भगवान देव अंबिकापति शंकर ने देवताओं के लिए भी दुर्लभ विवाह करने योग्य कन्या रूपी रत्न प्रदान किया। भार्या अर्थात पत्नी रूप में उसका साथ प्राप्त कर शत्रुनाशक राजा ने उस चंचल आंखों वाली अपनी प्रिया भ्रांत लोचना को भी गान योग सिखलाया। इसके बाद राजा ने उससे अर्थात भ्रांत लोचना से सुंदर भुजाओं वाले शोभन नामक पुत्र तथा रूप लावण्य से संपन्न हिमती नामक कन्या को उत्पन्न किया। तब माता भ्रांत लोचना ने बाल्यावस्था में ही उस शोभन नामक पुत्र को तथा कन्या हिमवती को भी विधिवत गान विद्या की शिक्षा प्रदान की।
आगे चलकर दुंदुभी पुत्र शोभन ने गंधर्वों की मानसी नामक कन्या से विवाह किया और उससे बीड़ा बजाने का तत्व जानने वाले तथा संगीत शास्त्र में पारंगत 5 श्रेष्ठ पुत्रों को उत्पन्न किया। फिर पुत्र पौत्र तथा पत्नी सहित गान विद्या में पारंगत राजा आनक दुंदुभी ने गायन द्वारा पुनः भगवान शंकर की पूजा की। तब लक्ष्मी के सदृश्य विशाल नेत्रों वाली जो हिमवती नाम की कन्या थी, सुबाहु नामक गंधर्व उसे लेकर अपनी पुरी में चला गया, जहां पर आनक दुंदुभी की पुत्री हिमवती को सुषेण, वीर सुग्रीव तथा नरवाहन नाम के 4 पुत्र हुए। किंतु यहां पर ध्यान देने वाली बात यह है कि आनक दुंदुभी को पत्नी के रूप में प्राप्त भगवान शंकर की पुत्री भ्रांतलोचना से उत्पन्न कुछ पुत्र तथा पौत्र पृथ्वी लोक को छोड़कर गंधर्वों के लोक में निवास करने लगे। किंतु आनक दुंदुभी का अभिजीत नामक एक वीर पुत्र भी था और अभिजीत का पुनर्वसु और उससे आहुक का जन्म हुआ, जो वीरता और अभीरता के कारण जगत प्रसिद्ध होकर अहीर कहलाया। तब से यही कारण है कि पूर्व काल में यादवों को संगीत विद्या में ब्रह्मा द्वारा दिया गया अक्षय वरदान यदुवंश में आज तक धारा प्रवाह के रूप में संचरित होता रहता है और इसी संगीत की धारा प्रवाह से ओतप्रोत भगवान श्री कृष्ण का जन्म द्वापर युग में हुआ, जिनकी बांसुरी की धुन और उनकी नृत्य कला तीनों लोकों में विख्यात थी। उस समय भगवान श्री कृष्ण सहित सभी गोपालक गवे चराते समय भी अपनी गायकी का आनंद लेते थे, किंतु जब भगवान श्री कृष्ण गोकुल छोड़कर मथुरा चले गए तब सभी ग्वाल गवे चराते समय भगवान श्री कृष्ण के विरह में गीत गाते थे और उसी तरह से गोपियां भी श्री कृष्ण के विरह में गीत गाती थी। और वही विरह वेदना की गीत आगे चलकर बिरहा के रूप में प्रचलित होकर यादवों की अपनी निजी संगीत के रूप में उभर कर सामने आई, जिसमें महारत हासिल करने वालों में सर्वप्रथम नाम आता है बिहारी यादव का, जिन्हें बिरहा जगत के गुरु के रूप में जाना जाता है। इसके बाद के क्रम में एक से बढ़ के एक बिरहा गायक रहे हैं, जिसमें से सभी का नाम ले पाना यहाँ पर संभव नहीं है। फिर भी कुछ महान बिरहा गायक थे जिनको थोड़े में बता रहा हूँ, जैसे ओम प्रकाश यादव, जिन्हें बिरहा बादशाह के रूप में जाना जाता है, बालेश्वर यादव, रामदेव यादव, पद्मश्री से सम्मानित हीरालाल यादव, काशी यादव, बुल्लू यादव और वर्तमान में जीते जागते बिरहा सम्राट विजयलाल यादव इत्यादि इत्यादि और बहुत से बिरहा गायक हैं, जो ब्रह्मा के द्वारा संगीत विद्या में दिए गए अक्षय वरदान के जीते जागते उदाहरण हैं, जो अपने पूर्वज आनक दुंदुभी की गायन विद्या को सतत कायम रखने में कामयाब रहे हैं। तो मित्रों, यादवों को ब्रह्मा जी द्वारा संगीत विद्या में दिया गया अक्षय वरदान वाला यह प्रसंग कैसा लगा अवश्य बताइएगा। फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।